Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची का इंतखाबी मार्का तनेसर गोट पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई और मारकुटाई। पीपल्स पार्टी के कारकुन ने आजाद उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की पिटाई कर दी। एक दूसरे के खिलाफ नारे, पीपी पर थप्पे लगाने का इल्जाम। ये बदमाशी कर रहा है, इसलिए मुझे मारा है, इसलिए बदमाशी की, इसलिए मुझे मारा। डीजी रेंजर को अपन भी बात नहीं करे। आज सिंध हुकूमत चनेसर गोट में ठप्पे लगाकर बदमाशी करके ये इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। ये जो जानबूझ के हरकतें हो रही है, जिसकी मुझे कल भी इत्तला थी। पीएस 114 में गहमा गहमी और गर्मा गर्मी उरूज पर, उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं के दौरे, खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। उम्मीदवार होने पर भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। सईद गनी का इल्जाम, किसी को धांधली नहीं करने देंगे, तहरीक इंसाफ का जवाब। आज का ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के नतीज की बुनियाद बनेगा। 2018 में एमक्यूएम पाकिस्तान की वसीतर, अजीमतर पूरे सिंध में और पाकिस्तान में जगह जगह कामयाबी की नवीद होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान आज जीत कर 2018 की बुनियाद रखने को तैयार। पीपी की खुली मुदाखलत और गुंडागर्दी के बावजूद मुहाजिर कौम का वोट तकसीम नहीं होगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 92 पोलिंग स्टेशन में से एक पर गड़बड़ हो तो हालात खराब नहीं होते। दो अफराद को गिरफ्तार किया, एक से पिस्तौल बरामद, दूसरा दोबारा वोट कास्ट करने के लिए लाइन में खड़ा था। जहनी मरीज हुआ तो रिहा कर देंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। पनामा जेआईटी की तहकीकात के 60 दिन, शरीफ फैमिली और इदारों के सरबराहान समेत दर्जनों पेशियां, घंटों तफ्तीश। तहकीकाती टीम आज रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। एसईसीपी में चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग की तस्दीक। एफआईए की इंक्वायरी कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। चेयरमैन एसईसीपी जफर हिजाजी रिकॉर्ड टेम्परिंग के जिम्मेदार करार। कतरी शहजादे को नून लीग ने मंसूबा बंदी से जेआईटी के सामने पेश होने से रोका। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद का इल्जाम। चौधरी सरवर ने कहा, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कबूल करेगी। सुप्रीम कोर्ट से ताबूत, सबूत और भूत भी निकलेगा। शेख रशीद अहमद का नवाज लीग पर तंज। कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का भी खदशा जाहिर कर दिया। पूरी कौम जेआईटी के साथ खड़ी है। नून लीग, फौज और सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रही है। इस हफ्ते हुकूमत की करप्शन बेनकाब हो जाएगी। जमशेद दस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला हवाले, दरअंदाजी के भारतीय इल्जाम बेबुनियाद करार। फौजी मुबसरीन को दौरे की इजाजत दी जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। ऑयल टैंकर उलटने का एक और वाकया। विहाड़ी में हजारों लीटर डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। लोग हिफाजती इंतजामात के बगैर ही डीजल भरने लगे। बिस्किट खाने के शौकीन अफराद होशियार। शेखुपुरा रोड लाहौर पर बिस्किट इंडस्ट्री का मिक्सिंग यूनिट सील। चूहों की बाकियात, कीड़े मकोड़े पाए गए।
इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की कहकशां आज लाहौर में जगमगाएगी। फोर्ट्रेस स्टेडियम रोनाल्डिन्हो समेत आलमी प्लेयर्स की मेजबानी के लिए तैयार। खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए, शायकीन महंगा टिकट खरीद कर भी मैच देखने जाने को तैयार। फैमिली के साथ जा रही हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डिन्हो है, मगर इस दफा टिकट्स कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव थे और बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। शाहरा आफाक आलमी फुटबॉलर्स की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में खेलों की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। जर्मनी से वापसी के बाद व्हाइट हाउस जाते वक्त तेज हवा ने अमरीकी सदर को परेशान कर दिया। एयरपोर्ट पर फौजी की जमीन पर गिरी कैप, दो बार उठाना पड़ गई। बढ़ती हुई आलमी हिद्दत का एक और सबूत, साइंसदानों ने जनूबी कुतब पर 200 किलोमीटर तवील बर्फानी तोदा टूटकर समंदर में बहने के खदशात जाहिर कर दिए। ताइवान में बगैर ड्राइवर चलने वाली बस का कामयाब तजुर्बा कर लिया। 6 सीट्स वाली बस 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। अमरीकी खातून एजेंट तन तनहा दुश्मन मुल्क में अपने साथियों की तलाश करने निकल पड़ी। फिल्म एटॉमिक ब्लॉन्ड की नई झलकियां जारी कर दी गईं।